मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 27 टू 30। इस पर पत्रस ने कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे पीछे चले आए हो, उस समय जब सब कुछ फिर नया हो जाएगा और मनुष्य का पुत्र अपने महिमामय सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और प्रत्येक जिसने मेरे नाम के लिए घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है, वह इससे कई गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होगा। परंतु अनेक जो प्रथम हैं अंतिम होंगे, और जो अंतिम हैं वे प्रथम होंगे। हम लोग देखते हैं, हम लोग जो भी काम करता है, व्यापार का जैसा भी होता है, एक व्यापार टाइप का है, हम लोग इतना डालने से इतना पाना है करके हम सबका आशा है हर चीज में। आत्मिक जीवन में भी बूनना और काटना है और कुछ करना द्वारा कुछ पाना है, ये हम लोग आत्मिक जीवन में भी मिलता है। और आप जानते हैं कि पीटर और जेम्स और जॉन और एंड्रू, ये सब 12 शिष्य लोग, वो लोग अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे आया। और जब प्रभु के पीछे वो लोग आया, वो लोग जब सुना है कि ऐसा होने से वैसा होता है, कौन स्वर्ग राज जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, क्या करना पड़ेगा, ये सब बात जब वो लोग बातचीत कर रहा है, तो पीटर इधर यीशु से पूछ रहा है, देखो हम लोग सब कुछ छोड़ा है तो हम लोग क्या पाएगा। देखो बिजनेस टाइप का है, हम लोग बैंक में भी जब रुपया लगता है, हम लोग बैंक मैनेजर से पूछता है कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स करने से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा सेविंग्स में रखने से कैसा इंटरेस्ट मिलेगा। उस प्रकार से आत्मिक जीवन में भी हम लोग जब कुछ करता है उसका फायदा हम लोग पाएगा करके हम लोग सबका आशा है। हालेलुया। तो इसी को लेके आज का वचन हम लोग देखने जा रहे हैं कि कुछ देने द्वारा हम कुछ पाता है, कुछ करने द्वारा हमारा कुछ होगा। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारा जीवन में आशीष होना है, प्रभु बोला मांगो दिया जाएगा, ये सब है। माने कुछ करने द्वारा कुछ होता है, कुछ देने द्वारा कुछ मिलता है, उसी तरह आज का वचन भी ऐसा ही है। तो आइए हम लोग, हमारा वचन का जो हेडिंग है, दे कुड वाई वी कुडंट, दे कुड वाई कुडंट वी, हम लोग क्यों नहीं कर सकता है, अगर वो लोग कर सका हम लोग क्यों नहीं कर सकता है। हालेलुया। हम किसके बात बोल रहे हैं, प्रभु के शिष्य लोग के बारे में, उनका क्या क्वालिटीज था, क्या प्लस माइनस था जीवन में, क्या कमी था क्या ज्यादा है। हम लोग जैसा साधारण मनुष्य था, याकूब बोलता है, जेम्स बोलता है, एलाइजा हम लोग का जैसा साधारण व्यक्ति था, लेकिन जब वो प्रार्थना किया 3.5 साल के लिए बारिश नहीं हुआ, और जब वो फिर प्रार्थना किया तो बारिश हुआ। और फिर बोलता है हम लोग का जैसा एक व्यक्ति था, कमजोरी व्यक्ति था, लेकिन उनका प्रार्थना में ऐसा अभिषेक और इतना शक्ति कैसा हो सका। हालेलुया। तो इसीलिए हम ये वचन को आज रखा है और हम विश्वास करता है ये वचन द्वारा प्रभु आप सब से बात करेंगे। और अगर वो लोग किया है, कैसा किया, क्या किया, हम देखा था अब्राहम के जीवन के बारे में बताया था, कुछ आगे भी बताया था अब्राहम के बारे में, लेकिन उसको थोड़ा अगर बताएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो वो इसीलिए हम आपको आपके सामने रखता है। अगर आप नोट्स लेने चाहते हैं तो आपका जेनेसिस का 22 में मिलता है, जेनेसिस 22 1-14 तक उसका स्टोरी है, जेनेसिस 22 1-14 उसका स्टोरी मिलता है, कैसा अब्राहम उसका एक ही बेटा आइज़क जो है उसको परमेश्वर ने बताया कि उनको बलि चढ़ाना, उनको कैसा बलि चढ़ाना वेदी पर। हालेलुया। तो वो बड़ा कठिन काम था, बड़ा मुश्किल काम था, और अगर उसका साथ में तुलना करना है तो मूसा के बारे में हम निकाला है, मूसा के बारे में हम सोच रहा था 40 साल के लिए राजमहल में हट्टा माने ठाट करके था, राजकुमार होके था 40 साल के लिए,
और वो 40 साल में खाना पीना पहनना सम्मान, और उस समय में राजा लोग पूरा गॉड का जैसा था, तो मूसा भी गॉड का जैसा एक तो था, इजिप्ट का गॉड का जैसा नंबर वन सुपर पावर उस समय में था इजिप्ट देश। और उसमें 40 साल के लिए मूसा को मौका मिला सुंदर से पूरा एकदम जीवन बिताना। अगर उसका पढ़ाई हुआ तो फर्स्ट क्लास हुआ, पहनना हुआ तो फर्स्ट क्लास हुआ, खाना हुआ तो फर्स्ट क्लास हुआ, अगर घूमना था तो पूरा रथ में घूम रहा था, उसका कोई कमी नहीं था, उसका सब कुछ था मूसा का। लेकिन उसको छोड़ के प्रभु के साथ चलने के लिए वो कैसा उसका हिम्मत हुआ, 40 साल उसका आदत हो गया। 40 साल में वो कोई चीज का आदत करने के बाद उसको छोड़ के फिर आना बड़ा मुश्किल है, चेंज बड़ा मुश्किल है। हम लोग भी 40 साल का सेवा किया है और अभी अगर इस तरफ उस तरफ होने से बड़ा मुश्किल लगता है, 40 साल है 40 साल, हालेलुया। तो मूसा 40 साल का उम्र में उसको चेंज करना पड़ा, एड्रेस चेंज करना पड़ा, बोल सकता है राजमहल से पूरा झोपड़ी के अंदर में आने का जैसा, घोड़ा में बैठ के रथ में जाने वाला, नौकर लोग को हुक्म देने वाला, नौकर बन के मेस को चरवाने के लिए बन गया। क्या चेंज! लेकिन ये लोग कैसा कर सका, ये हमारा प्रार्थना था बहुत अनेक साल आगे, अनेक साल आगे वचन से कुछ बताया था। और कैसा ये लोग कर सका, हम लोग ऐसा पढ़ के छोड़ देता है, हम लोग उसको पढ़ता है और पार कर देता है। अब्राहम ऐसा किया, मूसा ऐसा किया, एलाइजा ऐसा किया, डैनियल ऐसा किया, किया वो लोग किया, कैसा वो लोग कर सका, क्या था। एक बार ऐसा प्रार्थना में बैठा था, हम प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु कैसा कर सका। हम अब्राहम के बारे में पहला सोचा, बेटा को बलि देना, और वो भी छोटा बेटा नहीं, अगर छोटा होता है छोटा बेटा होने से आसान है ना बलि देने के लिए, बड़ा बेटा को देना मुश्किल है नहीं। बड़ा क्या, छोटा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, बेटा तो बेटा है। अभी हम लोग के घर में एक बेटा आया है, आमीन, छोटा बेटा है, बहुत सुंदर है। तो इसी तरह 14 साल का उम्र का बेटा को वो लिया और 3 दिन का यात्रा में गया, 3 दिन का यात्रा में गया मोरिया पर्वत का तरफ, क्योंकि परमेश्वर वाला उसी जगह में उसका बलि होना है। तो अब्राहम लिखा है सांगे सांग तुरंत चला करने के लिए। और उसके बारे में आप पढ़ रहा था कि कैसा अब्राहम ये काम कर सका, क्या था, क्या था अब्राहम के पास, या क्या विश्वास था। और उस समय में नया नया विश्वासी था, अब्राहम भी नया विश्वासी था, वो आया परमेश्वर के पास, परमेश्वर कोई आश्चर्य काम वो देखा ही नहीं। मूसा तो कम से कम बाद में देखने के लिए लिखा, लाल सागर खुल गया, पूरा बारिश हो रहा है, आग गिर रहा है, ये हो रहा है, और मूसा थोड़ा देखा बाद में, लेकिन अब्राहम कुछ भी देखा नहीं। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है शायद इतना भी नहीं जानता है, लेकिन उसका इतना विश्वास था इसलिए फादर ऑफ इज़राइल बन गया, इसलिए यहूदी लोग का बाप वो बन सका, क्योंकि उनका इतना विश्वास था जब परमेश्वर बोला तो वही फाइनल है। उस समय राजा लोग का बात भी वैसे ही था, अगर राजा लोग कुछ बोला उसका सर काट दो, काट दिया, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ तो बना दिया, राजा लोग का बात का इतना हुक्म का इतना पावर था। तो उसी तरह अब्राहम जानता था कि गॉड का ऐसा ही पावर है। तो प्रभु ने परमेश्वर जब उससे बात किया, कैसा बात किया पता नहीं, दर्शन में देखा ना सपन में देखा, कुछ लिखा नहीं, परमेश्वर उससे बात किया। शायद हम आपसे जैसा बात करता है उसी तरह अब्राहम के साथ में बात किया और तुरंत राजी हो गया, नो बार्गेनिंग। हमारा बेटा को अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, आप हमको और एक आइजिक दे सकता क्या, और दो आइजिक दे सकता, ऐसा कुछ बार्गेनिंग इधर नहीं लिखा है, बाइबल में नहीं लिखा है, कुछ नहीं। तुरंत सुबह सुबह उठ के जैसे एक अच्छा काम करने के लिए जा रहा है, एक पूरा कोई लॉटरी या कोई बोनस पाने के लिए जा रहा है, तुरंत सुबह उठ के निकला। अरे क्या करने जा रहा है अब्राहम, बेटा को बलि देने जा रहा है। हालेलुया, अच्छा कि सारा मां को नहीं बताया, अगर सारा मां को बताता तो बहुत मुश्किल हो जाता था, सारा मां से तेरा चूल निकाल देता था अब्राहम का, लेकिन वो किसी को बताया नहीं,
लेकिन अपना बेटा को लेके गया था, तो ये इसके लिए हम प्रार्थना कर रहा था प्रभु, वो कैसा कर सका। प्रभु बहुत सुंदर हमको बताया था कि देखो, अगर दायना तरफ में प्रभु है तो बायां तरफ में आइजक है, उसी तरफ अगर देखते से आप ठीक से समझ सकेगा। तो जब वो बायां तरफ आइजक को देखता है, हमारा बायां तरफ इधर है, दायना तरफ इधर है, तो जब वो आइजक को देख रहे हैं तो उसका दिल टूट जा रहा है। बाप है, वो डैडी है, तो ये फादर है और अपना प्रिय बेटा। और परमेश्वर ने अच्छा से अंडरलाइन कर दिया, द सन होम यू लव वेरी मच, जो बेटा को आप ज्यादा प्यार करते हैं वही बेटा। दूसरा सा बेटा लोग था उनको नहीं, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास बेटा नहीं, फर्स्ट क्लास बेटा। हमारा परमेश्वर फर्स्ट क्लास है, अब जब कुछ हमसे लेता तो फर्स्ट क्लास वो लेता है और हमको देता भी फर्स्ट क्लास। हालेलुया। तो जब फर्स्ट क्लास बेटा जो है आइजक, उसको जाके बलि देना, तो जब वो आइजक को देखता है तो उनका दिल टूट जाता है, नरम हो जाता है, बाप का दिल है। लेकिन दाहिना तरफ में परमेश्वर है, जब वो परमेश्वर को देखता है तो आइजक को बांध सकता है, जब आइजक को देखता है तो खोलना शुरू करता है, जो परमेश्वर को देखता है तो बांधना शुरू करता है, जब परमेश्वर को देखता है तो बांधना शुरू करता है, जब आइजक को देखता है तो खोलना शुरू करता है। इसी तरह हुआ रहेगा, वो इंसान था, वो डैडी था, उसका खून था, उसका उसका प्रेम था, लेकिन वो क्या किया, वो जान गया अगर हमको करना है तो हमारा नजर परमेश्वर पर रखना पड़ेगा। और जब वो अपना नजर परमेश्वर पर रखा तो इधर बांध के वेदी कब्र में चढ़ा सका, लेकिन उधर नजर था परमेश्वर पर, दाहिना तरफ उनका नजर है लेकिन काम इधर करता है। अब बेटा को वेदी पर रखा, अब छुरी उठाया उसको मारने के लिए। तो परमेश्वर इसी तरह हमको समझाया, प्रभु हमको समझाया, अगर हम लोग परमेश्वर पर अपना दृष्टि रखा जगत पर नहीं रखा तो हम कुछ भी कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अनेक काम हम लोग करता है, हम लोग भेंट देता है, हम लोग सेवा करता है, हम लोग कहीं पर कुछ जाता है, कुछ करता है, कुछ सुनना पड़ता है, और विरोधी भी हम लोग का विरोध में कुछ बोलता है, कुछ करता है, ये सब होता रहता है। लेकिन अगर आपका नजर प्रभु पर है, यीशु पर है, आप कर सकेगा आनंद से और खुशी से। लेकिन अगर आप शत्रु को देखता रहेगा, ये क्या बोलता, वो क्या बोलता, ये क्या करता, वो क्या करता, आप देखता रहेगा, आप नहीं कर सकेगा। तो अब्राहम और मूसा से हम लोग यही सीखता है, और हम विश्वास करता है कि मूसा ने इसी तरह भी किया था, मूसा भी इसी तरह किया था, उनका नजर परमेश्वर पर था, वो भी अभी तक परमेश्वर का कोई आश्चर्य काम नहीं देखा था। मूसा जिस समय में परमेश्वर को बुलाया, आश्चर्य काम कुछ नहीं देखा, वो भी बाद में हुआ, लेकिन वो बोला ये राजगद्दी हमको दरकार नहीं, ये मुकुट हमको दरकार नहीं, ये सब लोग का सम्मान हमको दरकार नहीं, ये जगत का धन हमको दरकार नहीं, ये जगत का सम्मान हमको दरकार नहीं, हमको परमेश्वर दरकार है। लिखा है अपना लोगों का साथ में खड़ा होने के लिए वो अपना मन ठीक किया और बाहर आया, वो बाहर आ गया, मिस्र देश को छोड़ के बाहर आ गया। हालेलुया। और अभी परमेश्वर का हाथ में अपना जीवन को रख दिया, और परमेश्वर 40 साल के लिए उनको पीसने लगा। देखो 40 साल के लिए उनका मिस्र देश में जो ट्रेनिंग हुआ, परमेश्वर का सेवा के लिए काम नहीं देता है। अनेक बार हम लोग सोचते हम लोग का पढ़ाई, बाइबल स्कूल जाना, ये करना, ये ट्रेनिंग करना, वो ट्रेनिंग करना, हमको क्वालिफाई करता है परमेश्वर का सेवा के लिए, एक प्रकार अच्छा है, लेकिन हमारा असल क्वालिफिकेशन आता है जब परमेश्वर का अभिषेक हमारा जीवन पर है। जब परमेश्वर आपको आह्वान करके आपको अभिषेक करता है तो आप स्पेशल व्यक्ति है, आप खड़ा हो सकेगा, आप छोड़ सकेगा, आप त्याग कर सकेगा, आप विजय कर सकेगा, असंभव को संभव आप कर सकेगा, जो आप शरीर में नहीं कर सकता था, एक साधारण व्यक्ति होके नहीं कर सकता था। जब आप अपना दृष्टि परमेश्वर पर रखता है और उसके साथ चलने के लिए जब अपना अपना मन को ठीक कर देता है तो जो चीज आप नहीं कर सकता था आप अब कर सकेगा। हालेलुया। कोई हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। तो हम देखते हैं अब्राहम, हम दौड़ता है क्योंकि हमारा मैसेज इसके ऊपर में ज्यादा नहीं टाइम देना चाहता है। अब्राहम और मूसा उसी प्रकार से किया था, दोनों
अपना नजर प्रभु पर था और बाकी जितना है, जितना भविष्य भक्ता लोग है, डैनियल वही किया था। शद्रक मेशक एबेदनेगो, उसको हम कुछ दिन आगे पढ़ रहा था, दो दिन आगे, शद्रक मेशक एबेदनेगो इतना बड़ा काम कैसा कर सका? बाहर देश में है, सबसे सुप्रीम पावर बेबलोन का राज, नबुकदनेस्सर राजा, जो उससे बढ़के कोई राजा जगत में कभी नहीं था ना कभी होगा, नंबर वन राजा है, बाइबल में लिखा है। और वो नंबर वन राजा या सुप्रीम पावर जो था जगत पर, वो एक मूर्ति बनाया और ये तीन लड़का लोग को बताया, जब बाजा बजेगा, जब सरोज सरोज है, जब सरोज यामा बजाएगा और किरण जब ढोलकी मारना शुरू करता है, सबको अपना काम बंद करके वो मूर्ति के सामने में प्रणाम करना, वो मूर्ति के सामने प्रणाम करना। सोचो हम लोग सब एक जगह में है और एक जगह में रहने के टाइम में वो लोग बोले, अरे थोड़ा एक तो अगरबत्ती लेके थोड़ा ऐसा कर दो ना, क्या होता है मूर्ति के सामने, क्या होगा, थोड़ा ऐसा कर दो, जान बच जाएगा, थोड़ा प्रसाद खा लो ना, क्या हो जाएगा, प्रसाद थोड़ा खा लो, क्या हो जाएगा, थोड़ा मूर्ति के सामने थोड़ा मुंडिया मार दो, क्या हो जाएगा, छोटा काम है कर दो, नहीं तो आपका भट्टी के अंदर जाएगा। कितना मूर्ख है आप, कितना मूर्ख है। बहुत जन उनको बताया रहेगा, शद्रक मेशक एबेदनेगो, क्या मूर्ख लड़का लोग तुम लोग है, अन्य देश में आया है, बंदी दास लोग है, बंधन में है, नौकर लोग है आप, और इतना दूर में आके इज़राइल का गॉड का बारे में इधर आके पालन करता है, एक मुंडिया मार दो, घर चले जाओ, हो गया, जाके फिर अपना कंप्यूटर के सामने बैठो, अपना मोबाइल के साथ खेलो, जाके पार्क में घूमो, होटल में खाओ, आराम से एक तो मुंडिया मार दो। तेलतीनो बोला नहीं, कैसा नहीं बोला, हिम्मत कैसा हुआ उनका? हिम्मत हुआ क्योंकि अपना परमेश्वर को वो लोग पहचाना कौन है। जब हम लोग अपना परमेश्वर को पहचान सकते वो कौन है, तो हमारा काम भी उसी तरह होगा। हम लोग जो ढीला ढाला काम करता है उस तरह नहीं होगा। हम पहला अपना परमेश्वर को पहचानना वो कौन है। ये तीनों लड़का, जवान लड़का लोग, हम देखते कोई कोई जवान जवान बच्चे लोग उधर है, वैसे ही जवान बच्चे लोग, हाँ सैमुएल उधर है, हाँ उधर देखता है, हाँ सब जवान जवान बच्चे लोग, कितना जन है वो लोग, सब वैसे ही उम्र का। अरे बाबा जाके एक मुंडिया मार दो तो मुक्त हो जाएगा। बोला नहीं, हम लोग नहीं करेगा। उनको लेके जब आग में डाला तो परमेश्वर उसको बचा के बाहर लाया। वो कीमत वो लोग कैसा दे सका? जब आपका परमेश्वर को आप पहचानता है आप कर सकेगा। और हमारा मैसेज का टाइटल है, वो लोग कर सका हम लोग क्यों नहीं कर सकता है, वो लोग कर सका हम लोग क्यों नहीं कर सकता है, क्या फर्क क्या है? परमेश्वर वही है, उनका पास में कुछ ज्यादा था और हम लोग के पास में कुछ कमती था, नहीं पूरा उल्टा, उनका पास में कम हम लोग के पास ज्यादा है। उनका पास में बाइबल नहीं था, हम लोग के पास बाइबल पूरा बाइबल है। उनका पास में यीशु का खून नहीं था, हम लोग के पास में यीशु का खून है। उनका पास में पवित्र आत्मा का अभिषेक जैसा हम लोग पाता है परिभाषा बोलता है, उनका पास नहीं था, हम लोग का पास है। अगर वो लोग किया हम लोग ज्यादा कर सकता है, क्योंकि हम लोग का दोस्त लोग, हम लोग का क्रिश्चियन भाई लोग, बहन लोग भी, समाज के अंदर में भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत जन है। अरे थोड़ा ऐसा कर दो, थोड़ा ऐसा कर दो। हम जानते क्रिश्चियन भाई लोग क्या करता मालूम है? क्रिश्चियन हाई करके परीक्षाएं देने के लिए भी बंद करता है। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, कुछ ज्यादा दरमा मिलेगा, नौकरी जल्दी मिल जाएगा, ऐसा भी है। हम क्रिश्चियन नहीं करके बोलने के लिए भी मुंह बंद करके रखेगा, क्रिश्चियन नहीं है करके बोलेगा। ऐसे व्यक्ति लोग का हालत क्या होगा? हमारा बुजी भाई इधर नहीं है, लेकिन उनको हम सल्यूट करने चाहता है। वो AENDEN का बेटा है रेलवे का, और उसको जब रेलवे में नौकरी होना था, वो प्रभु यीशु को ग्रहण किया तो उधर उसको लिखना पड़ा, SC लिखने से नौकरी हो जाएगा, क्रिश्चियन लिखने से नौकरी नहीं होगा। वो क्रिश्चियन लिख दिया, उसको नौकरी अभी तक नहीं मिला, लेकिन प्रेज द लॉर्ड। ऐसे व्यक्ति लोग के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए,
जो एकदम ठीक काम के लिए खड़ा होता है। तो प्रभु को धन्यवाद, ऐसा व्यक्ति लोग जो स्टैंड लेता है सच्चाई के लिए, ठीक काम के लिए। उसको अभी तक नौकरी नहीं मिला, लेकिन वो नहीं बोला कि हम क्रिश्चियन नहीं है, वो क्रिश्चियन है करके बोला, नौकरी होने दो नहीं होने दो, हालेलुया, होने दो नहीं होने दो, यीशु हमारा प्रभु है करके बोलने के लिए घमंड है, घमंड लगता है, हालेलुया। तो आया, ये भी हमारा मैसेज नहीं है, हम लोग और थोड़ा नीचे आ रहा है। वो लोग कर सका, हम लोग क्यों नहीं कर सकता है, हमारा मैसेज है। वो लोग कर सका, हम लोग क्यों नहीं कर सकता है। हम प्रभु का शिष्य लोग के पास में दौड़ के आता है, ऐसा अनेक उदाहरण है बाइबल में। लेकिन प्रभु का, यीशु का शिष्य लोग के बारे में थोड़ा हम बोलने चाहता है। अब जानता, जब प्रभु यीशु पहला पत्रस और याकूब और ये आंद्रिया और जॉन और जेम्स के साथ जब भेंट हुआ, एक अच्छा काम वो लोग कर रहा था। बाइबल में आप देख सकता है, न्यू टेस्टमेंट में देख सकता है, लिखा है पीटर और जेम्स अपना मछली पकड़ने वाला जाल को धो रहा था। क्या कर रहा था? वो लोग धो रहा था, और जब धो रहा था प्रभु बोला हमारे साथ चलो, और वो लोग सब छोड़ के प्रभु के साथ चला। हेलो, जब गया था तो जॉन और जेम्स भी अपना डैडी के साथ बैठ के अपना जाल का मरम्मत करता था। और जब मरम्मत करने का समय में यीशु बोला हमारे साथ चलो, वो लोग जाल डैडी सब कुछ छोड़ के प्रभु के साथ चला। वही वचन आज आपके लिए हम लोग पढ़ा था, मैथ्यू का 19:27-30 जो पढ़ा था, वही बात इधर लिखा है। इधर पत्रस बोलता है, प्रभु देखो हम लोग सब कुछ छोड़ के आपका साथ चला, आपका साथ हम लोग आ गया है, इसीलिए हम लोग क्या पाएगा? प्रभु थोड़ा लेके ज्यादा देने वाला परमेश्वर, ज्यादा लेके थोड़ा देने वाला परमेश्वर नहीं है। आप अगर अच्छा बिजनेस माइंड है, परमेश्वर का राज के लिए बुनो, आप ज्यादा काटेगा, हालेलुया। अगर इन्वेस्टमेंट करना है प्रभु का राज के लिए, प्रभु का सुसमाचार के लिए, प्रभु का मंडली के लिए, प्रभु का काम के लिए बुनो, आप काटेगा, जरूर काटेगा। आप जो बुना उससे बहुत ज्यादा काटेगा। तो पत्रस अच्छा बिजनेस माइंड उसका भी था, बोला प्रभु हम लोग ये किया वो किया वो किया वो किया वो किया और आपका पीछे चला, हम लोग का क्या होगा? प्रभु इधर थोड़ा बोला लेकिन और बहुत कुछ है। बोलता है जब आने वाला समय में जब मनुष्य का पुत्र अपना सिंहासन पर बैठा रहेगा अपना महिमा में, आप लोग जो है हमारा साथ में 12 सिंहासन पर बैठा रहेगा, हालेलुया। बोट में बैठने वाला, स्कूल में नहीं, चेयर में नहीं बैठा, कॉलेज में नहीं बैठा, बाइबल स्कूल में नहीं बैठा, उनका अपना मंदिर का कोई ऊंचा चेयर में भी नहीं बैठा, बोट में बैठा था। ये बोट में बैठने वाला प्रभु का साथ में सिंहासन पर बैठ के पूरा वर्ल्ड का विचार करेगा, हालेलुया। क्या इनाम, क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या रिटर्न मिल रहा है? बैंक का भाषा में बोलता रिटर्न, हमारा रिटर्न क्या है, हालेलुया। उनका इस इन्वेस्टमेंट क्या था, उनका रिटर्न क्या है, आप देखना है। आपका और हमारा भी कमती नहीं, उससे ज्यादा होगा, हालेलुया। अगर उनका हुआ हमारा भी होगा, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। बोलता है 12 सिंहासन पर बैठेगा और इज़राइल का 12 गुस्ती लोग को आप बेचार करेगा। हर एक जन जो घर बाप माँ ये बेटा बेटी सब छोड़ के हमारे पीछे आया या प्रभु का राज के लिए आया है, उनको 100 गुना मिलेगा, हालेलुया। कितना गुना? 100 गुना मिलेगा, हालेलुया। ये इनाम कौन देगा? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु देगा, हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग खुश हो जाना चाहिए। आप छोटा छोटा कुछ करता है प्रभु के लिए, छोटा छोटा कुछ करता है, कीजिए, बढ़ाते जाइए। आप कभी भी प्रभु को ज्यादा नहीं दे सकता है, क्योंकि वो हमको ज्यादा देने वाला है। अगर आप ज्यादा दे सकता प्रभु का राज के लिए, क्योंकि प्रभु आपको ज्यादा दिया करके आप दे सकता ना, ना आप किधर से देगा? आप तो चोरी करके नहीं देगा, प्रभु आपको दिया है, तो आपको जब दिया है आप दिया है,
तो आप वो आपको ज्यादा देगा, आप ज्यादा भी देगा, तो वो दिया करके आप देता है, नहीं तो उसमें और क्या बात है, उसमें और ज्यादा सोचने के बात क्या है, वो दिया है आप दिया है, आप बंद कर दो वो भी बंद कर देगा। फॉर्मूला ये है, सेम चीज है, आप बैंक से पूरा रुपया निकाल दो सूद नहीं मिलेगा, अगर उधर रखेगा तो आपको 7% 8% सूद मिलेगा हर महीना को, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु 100% देता है, कितना परसेंट देता प्रभु, 100%। प्रभु कितना परसेंट देता है, ऐसा बैंक में कौन अपना रुपया रखने चाहता है, हालेलुया, ऐसा बैंक में अपना रुपया कौन रखने चाहता है, हालेलुया। प्रभु का बैंक में रखो 100% रिटर्न आएगा, 100%। प्रभु झूठ बोला, प्रभु का बैंक फेल होगा, प्रभु का बैंक फेल होगा जयंती, प्रभु का बैंक फेल होगा, प्रभु को उधर कुछ कमी है, सोना चांदी का कमी है, रुपया का कमी है, कुछ कमी नहीं है, उसके पास है, बोला सोना चांदी हमारा है, हम जिसको इच्छा हम देता है उसको, हालेलुया, वो देता है, हालेलुया। आपको इतना सोना देगा आपका कान फट जाएगा पहनने से, हालेलुया, वो देने वाला प्रभु है, हालेलुया। लेडीज लोग का भाषा में हम बोल रहे हैं आप लोगों को खुश कराने के लिए, कान फट जाएगा। तो इधर बोलता है जो छोड़ा है वो 100 गुना वापस मिलेगा, हालेलुया। लेकिन हम वापस आने चाहता है ये वचन को, हम जो बताया था पीटर और एंड्रू क्या कर रहा था, अपना जाल को धो रहा था, जॉन और जेम्स क्या कर रहा था, अपना जाल को सिलाई कर रहा था। यही चीज हमारा जाल में भी दरकार है, साफ करना, मरम्मत करना। जब हमारा जाल को हम साफ करता और मरम्मत करता है प्रभु का काम में लगेगा, क्योंकि कमजोर जाल, फटा जाल, गंदा जाल को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता है, हालेलुया, इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो जाल जब साफ है और जाल जब मरम्मत किया है, देखो छेदा होने से मछलियां उससे भाग जाएगा, इसलिए उसको मरम्मत करना है। तो उसी तरह देखता है दोनों पार्टी, एक धो रहा है और एक अपना जाल को मरम्मत कर रहा है। एक विश्वासी का जीवन में यही होना है, हमारा जाल को हम साफ रखना है तो प्रभु हमको इस्तेमाल कर सकता है। आप जानते हैं रात भर वो लोग मेहनत किया, पत्रिस बोल रहा था, रात भर हम लोग जाल डाला कुछ नहीं पाया, धोके हेलो धोके यीशु को देने का समय में जब जाल डाला तो जाल फटने लगा, समझ गया नहीं समझा, यीशु उनका जाल को फटने के लिए क्यों दिया, क्योंकि जाल साफ हुआ और यीशु उन पीटर का बोट के लिए भाड़ा दे रहा है, कोई फोकट में वो नहीं लेगा, हेलो, यीशु हमसे कुछ फोकट में नहीं लेता, हम सोचता है हम दे दिया, हम दे दिया, हम उसको दे दिया, हम उस, अरे आप क्या देगा, आप क्या देगा जो प्रभु आपको नहीं देगा, हालेलुया। प्रभु रखा है देने के लिए, वो जाल साफ किया, उसका बोट व्यवहार करने के लिए पुलपिट बना दिया, जैसा हमको बैठने के लिए इधर टेबल सॉप दिया है, ऐसा यीशु को खड़ा होने के लिए जगह दे दिया, तो यीशु भाड़ा दिया, बोले ये तुम्हारा भाड़ा है आज के लिए, नेक्स्ट टाइम फिर हम आएगा जब ये बोट में खड़ा होगा और एक बार भाड़ा देगा, प्रभु देता है, इतना भाड़ा दिया जो उस समय का राजा लोग भी भाड़ा इतना नहीं दे सकता, इतना जाल में मछलियां लोग कितना लेता है, जाल फट जाता है, दोनों नौका डूबने लगा और कितना लेगा, हालेलुया। प्रभु बोला जब वो हम लोग को देता है तो भर के देता है, छाप के देता है, उछल के देता है, हालेलुया। और देखता है ये दोनों नौका पूरा उछलने लगा, उछलने लगा, क्योंकि प्रभु के लिए वो लोग अपना जाल साफ किया, अपना जाल को मरम्मत किया, कोई हालेलुया बोल सकता है, हालेलुया। तो ये काम जब वो लोग किया था, प्रभु उनको उनका राज के लिए खड़ा कर सका, इस्तेमाल कर सका, इसलिए प्रभु ने उनको उठाया। और ये कभी कभी हम लोग सोचता है हाँ प्रभु हम लोग के लिए सोना का रास्ता, सोना का बिल्डिंग सब उधर रखा, इधर कुछ नहीं, अरे बाबा इधर इधर 100%, इधर 100%, उधर भी है, उधर का हिसाब करने नहीं सकता क्योंकि वो 1000-1000 में चल जाएगा, इधर 100% देगा प्रभु आपको, इधर ही। आप जानता है
आप विश्वास करता है। आप मैथ्यू मार्क लूक जॉन चार किताब पढ़ो और जब आप घुमा के जब आप प्रेरितों में चले जाएगा उधर आप देखने के लिए पाएगा वही जेम्स वही जॉन वही पीटर क्या बन गया, प्रभु उनको बनाया। हालेलुया। उनका छाई जब रास्ता के ऊपर में गिरा, कोई बीमारी व्यक्ति पर जब गिरा वो चंगाई हो गया। हालेलुया। वही पत्रस जब एक भाषण दिया तो 3000 आत्मा प्रभु के पास आया। क्या हुआ? बुना था, जाल साफ किया था, जाल मरम्मत किया, अभी डालता है, 3000 एक साथ में आया। हालेलुया। और एक बार जाके फिर वचन दिया, जाल साफ किया, जाल मरम्मत किया और डाला, और एक बार 5000 आत्मा आया। हेलो, आत्मा आजकल आप लोग का जीवन में हमारा जीवन में नहीं आता, किस लिए? जाल साफ नहीं किया, मरम्मत नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह में हमारा याद आता है, हमारा टाइम थोड़ा है और एक पॉइंट बोल रहे हैं, ये पॉइंट हम इधर ही रोक देता है और इसमें मैसेज में आगे नहीं बढ़ता है। ये मैसेज इतना है, वो लोग कर सका, हम लोग क्यों नहीं कर सकता? समझ गया, इतना मैं बोला मैंने समझ गया रहेगा। और एक पॉइंट हम बताता है, प्रभु यीशु बोला एक पुराना कपड़ा अगर फट गया तो नया कपड़ा का टुकड़ा लेके उसमें सीने से वो नया कपड़ा पुराना कपड़ा को तान के उसको ज्यादा चीरा ज्यादा कर देगा। हम थोड़ा टेलर है, हम जानता क्या बोल रहे हैं, और जो टेलर है जानता क्या बोल रहे हैं। और बोलता है कि द्राक्षरस, नया द्राक्षरस पुराना चमड़ा बैग में नहीं डालता। उस टाइम में चमड़ा का बैग था, उस टाइम में चमड़ा का बैग था तो उन लोग द्राक्षरस चमड़ा का बैग में डालता था। अभी हम लोग का स्टील का डब्बा ये सब है, ओके। उस टाइम में नहीं था, उस टाइम में चमड़ा का बैग में वो लोग द्राक्षरस रखता था। तो यीशु बोला नया द्राक्षरस पुराना चमड़ा बैग में डालने से वो पुराना चमड़ा बैग ठो हो जाएगा, फट जाएगा। नया द्राक्षरस नया चमड़ा बैग में डालना है। कुछ पॉइंट आपको मिल रहे हैं ना? नहीं तो ये प्रभु देखो, अभी हम लोग स्टील, हमको याद है एल्यूमिनियम का आया था बासन, एल्यूमिनियम में हम लोग कर रहा था, पीतल आया था, अभी स्टेनलेस स्टील में चल रहा है, तो सब चेंज होते जा रहा है। लेकिन प्रभु अभी तक चेंज नहीं किया, वो अभी तक चमड़ा बैग में रखता है। प्रभु उसका सामान अभी तक चमड़ा बैग में रखता है। तो ये चमड़ा बैग अगर पुराना है, प्रभु उसका पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल देगा और ठो हो जाएगा। कोई समझा? ये चमड़ा बैग नया होना है, ये चमड़ा बैग यीशु का खून से धोना है, ये चमड़ा बैग को पाप से अलग करके मरम्मत करना है, इसको सिलाई करना है, उसको रेडी करना है, क्योंकि प्रभु उसका पवित्र आत्मा को उंडेलने के लिए जा रहे हैं। और अगर ये चमड़ा बैग पुराना ये में चलता है तो ठो हो जाएगा, फट जाएगा, इसलिए प्रभु नहीं डालता है, इसलिए प्रभु आपको नया अभिषेक नहीं दे सकता है, इसलिए प्रभु हमको नया अभिषेक नहीं दे सकता है, क्योंकि ये पुराना में प्रभु नहीं डाल सकता है, हम लोग का खेती होगा, हम लोग फट जाएगा।